तो आज हम देखेंगे सच्ची घटनाओं से प्रेरित मूवी आर्टिकल 370 का टीजर। तो ये टीजर देख लेते हैं और देते हैं उस पर अपने रिएक्शन। तो बिना किसी इंतजार के करते हैं टीजर स्टार्ट। कश्मीर, कश्मीर की घाटी फूलों से भरी हुई, बर्फ से ढकी हुई, आजादी आजादी चिल्ला रहे हैं। ओ भाई, कश्मीर बम में ब्लास्ट। टेररिज्म एक धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। ओके। आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे, पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। सच में ऐसा है क्या? हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। स्पेशल स्टेटस में शायद 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए आर्टिकल 370 तो भी 370 को हटा नहीं सकते। वही है। सभापति महोदय, ये कौन है? आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अमित शाह की 370 के एक्टिंग वाला खंड नहीं लागू होंगे। 2019 में पूछ गई स्टोरी, तभी खत्म हुआ था आर्टिकल 370 2019 में। आर्टिकल 370 तो ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें हमको लीडिंग रोल में देखने को मिलेगी यामी गौतम और प्रिया मानी जैसे कलाकार। बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी ये है कि 2016 के बाद जो कश्मीर घाटी में अशांति फैल जाती है उसको शांत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जूनी हक्सर के नाम की ऑफिसर लेडी को वहां पर तैनात किया जाता है, जिसका कार्य है वहां पर हो रहे आतंकवाद पर काबू पाना, कश्मीर घाटी में जो अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था है उसको खत्म करना और महत्वपूर्ण कार्य आर्टिकल 370 को ही खत्म करना। आर्टिकल 370 की बात करूँ तो सीधी सीधी भाषा में वहां के लोगों को कुछ अलग ही अधिकार प्राप्त थे और वे अधिकार क्या थे वो आप गूगल पर जाके देख सकते हैं। तो ये है इस मूवी की स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी तो मूवी ही बताएगी। टीजर की बात करें तो टेररिज्म को दिखाया गया, वहां के नेताओं को भ्रष्ट और वहां की जनता जो आतंकवाद चाहती है आजादी के नाम पर आतंकवाद फैला रही है ऐसा दिखाया गया। यामी गौतम को एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में दिखाया गया। बीजीएम की बात करें तो एक सस्पेंस से भरा हुआ बीजीएम था। विजुअल्स की बात करें तो आतंकवाद और डर खौफ से भरे हुए विजुअल्स थे। फाइनली अगर टीजर की बात करूं तो टीजर अच्छा है। अब ये मूवी आएगी 23 फरवरी को, तब ये मूवी देखेंगे कैसी है और जानेंगे ज्यादा क्या है आर्टिकल 370। तो इसी पर यही था मेरा रिएक्शन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।